ये भूतनी के साथ हंस रहा है, इसे इंसान और भूत के बीच का फर्क ही नहीं पता। ढिंका चिक्का ढिंका चिक्का, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो बे? तुम्हारे लिए भाई। चले इधर आ। और क्या हालचाल है? सब एकदम ठीक है ना? भाई, तुम बताओ ना क्या केक भी रेडी है भाई? तेरा जन्म भी लेट हुआ और काम भी लेट करेगा क्या? जा, कर कौन सा फ्लेवर है? क्या हुआ बबलू, बहुत खुश दिख रहे हो। क्या बताओ भाई, आज मेरे दिल का टुकड़ा, मेरी जान जिगर लंगोटिया यार सुधीर बहुत सालों बाद फाइनल ईयर फिनिश करने के लिए आ रहा है। और इतना ही नहीं, आज उसका जन्मदिन भी है। वैसे अपना सुधीर है कहाँ? उसे गिफ्ट क्या देंगे? ये सब पराए लोगों को देते हैं, जान देने वाले दोस्त को नहीं। तो वे पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? अरे बबलू, गिफ्ट के बारे में पूछा, तूने अच्छा कवर किया रे। मेरे कवर को छोड़ बेटा, पहले बता तू क्या गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट तो मैं, ए सुन इधर आ, बोल दे, चल निकाल ले, देखा ये है मेरा गिफ्ट। अरे तेरी तो, उसने अगर ये देख लिया ना तुझे पटक पटक के मारेगा। क्यों बे? उसके पीछे एक कहानी है, वहाँ देख। बचपन में सुधीर अपने दोस्त सीनू के साथ बॉल कैच कैच खेल रहा था। बॉल हाथ से छूटकर रोड पे गया, सीनू बॉल लेने के लिए गया, तभी उसे एक कार कुचल कर चली गई, वहीं पर वो मर गया। तब से वो कोई भी बॉल देखता है तो भड़क जाता है। अरे भाई क्या लड़की है, देखो ना। की तो लड़कियां देखी नहीं और लार टपकाना शुरू। भाई आ गया क्या? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स माय फ्रेंड, थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच। बाकी लोग कहाँ हैं? उन सब की क्या जरूरत है, चलिए। क्या हुआ? अरे आना तू, अरे बताता हूँ। अरे आना, अरे इसकी क्या जरूरत थी? वैसे देखा जाए तो हमें आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं है, चल काटना। हैप्पी बर्थडे टू यू। Hey, selfie, 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 selfie. फ्रंट कैमरा ऑन तो कर। भूल गया भाई। स्माइल। सोरे साहब, तुम्हें विश कर दिया, केक भी कटवा दिया, अब शाम का कोई प्रोग्राम है कि नहीं? ओहो, तो ये केक कटिंग शाम की सेटिंग के लिए था? हा? तुम लोग कैसे दोस्त हो यार? अरे हमारी दोस्ती पे शक कर रहे हो यार? दुनिया में सारे दोस्त ऐसे ही होते हैं, कमीने। 100 रुपए का केक लाकर, 2 रुपए का कैंडल घुसाकर शाम तक 10,000 उड़वा देते हैं। अरे ऐसे मत बोल यार, शाम को पार्टी में हम लोग ही तो आएंगे। अरे यार सुधीर, आज सोमवार है भाई, पार्टी में तो आऊंगा लेकिन कुछ लूंगा नहीं। अरे रमेश, मेरी बुद्धि तुम्हारे जैसे लोगों के बारे में एक बात बोलती है, पता है वो क्या? वो क्या है बबलू? शराब पीने वाला शेर का बेटा, बियर पीने वाला वीर का बेटा, देसी पीने वाला देश का बेटा, ब्रांडी पीने वाला बंदर का बेटा, और कुछ ना पीने वाला इसके जैसा गधे का बेटा। चुप कर यार। क्या बे चिरकुट तू है? ये इतना क्यों हंस रहे? वो क्या है ना, उस सुधीर का बर्थडे है ना आज, सबके सब मिलके एंजॉय कर रहे हैं। लड़की कौन है? नाम बिंदु है, बहुत घमंडी है भाई, गुस्सा बहुत ज्यादा है, सामने कौन है देखती तक नहीं। क्लास का टाइम हो रहा है, चलो।
शाम को ना कीवी एप्पल फ्लेवर लेंगे। हाँ जाते ही बैठेंगे। hey. अरे ध्यान दो रे, तुमको एक बात पता नहीं है। चिल्लाओ मत दे। एक्स्ट्रा क्लास बंद कर। अब आ ही गई है तो जाके बैठ। Hey. What's up? तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा ध्यान दो, एक बात बतानी है तुम्हें। क्यों बे, तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई? कौन बोला बे, किसकी शामत आई है? बोल। तो इतना टेंशन मत ले बबलू। ठीक है, तेरी गोदी में सोता हूँ, दिलासा दे दे। चप्पल से मारूंगी। तू सिर्फ बोलती रहती, मारती नहीं है। जो बात बतानी है भाई बताएगा। चल भाई बता दे। सो फ्रेंड्स, तुम सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि कल होली है, तो हमारे स्टूडेंट्स कल्चर के हिसाब से हम आज के दिन होली मनाएंगे। तो फिर कलर्स कहाँ हैं बे? देखो, स्टूडेंट की लाइफ मतलब कलरफुल लाइफ। इन कलर्स के हमारी लाइफ में बहुत मायने हैं। अगर तुम्हें परेशानी है तो उस परेशानी को पसंद में बदलना सीखो, किसी और की खुशी के लिए जीना सीखो। जानती हो ये कॉलेज में तुम्हें सर्टिफिकेट के साथ साथ बहुत सारी खुशियां मिल सकती हैं, बस उसे फील करके देखो। फ्रेंड्स, लेट्स सेलिब्रेट होली। Cheers. Down it, boys. सब लोग इतने अच्छे मूड में हैं, और तू क्यों रो रहा है बबलू? याद नहीं, बिंदु ने खींच कर दिया था, इसके कान में अब तक वही गूंज रहा है। हाँ, शुरू कर। अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, आज तक मुझे किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा है। ऐसे में वो लड़की सबके सामने मुझे ठोक के चली गई। सुबह से बीपी ऊपर नीचे हो रहा है मेरा। तो मेरा दोस्त मल्ली ने पहले ही कहा था। क्या कहा था? लड़कियों पे भरोसा मत करना, कपड़े भी फाड़ती हैं और बदनाम भी करती हैं। जा, मैंने उसकी बात नहीं मानी। डोंट वरी बबलू मेरे दोस्त, तुम्हें भी मौका मिलेगा बदला लेने का। मैं सच कह रहा हूँ भाई, वो दिन जब आएगा ना तो मैं पैसे कर्जे लेकर रविवार को मुर्गा काट के सारे दोस्तों को दावत दूंगा। सच में दावत देगा तू? भागी हुई गणेश की लवर की कसम। अब ऐसे केस में चांस क्यों लेना दोस्त, हम सब मिलकर करेंगे तो कैसा रहेगा? तुमने जितनी आसानी से केक काटा है उतना आसान नहीं है भाई। और ये बात बबलू खुद कह रहा है। हाँ, यही तेवर दिखाया था तो उस लड़के ने हाथ उठाया, चाटा मारा तो मरी हुई माँ याद आ गई। अरे तू डर मत रे, तेरे पीछे हमेशा मैं रहूंगा। अरे आगे पीछे मत रहना भाई, बगल में रहना। श्योर। इतना काफी है, जानती नहीं एक सांस में पूरी बोतल खत्म करने वाले इस शेर को मारा उसने, देखना अब मैं क्या हाल करता हूँ उसका। मामला या तो इस पार होगा या उस पार। Cheers! बस 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 बस। Shh, quiet. हाँ? देख मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग बियर पी के आया है, तू स्ट्रॉन्ग तो है ना? फुल स्ट्रॉन्ग हो भाई, तू टेंशन मत ले इसकी। तो तू पीते वक्त भगवान को क्यों याद कर रही है? तू भी तो चिकन खाती है ना, तो भगवान को याद नहीं करती है क्या? ये वैसा ही है, चुप करके पी। Bloody idiots! ए, कॉलेज में तो ये सब होना कॉमन है यार, हर चीज में ऐसे गुस्सा नहीं होना चाहिए। कॉमन थिंग्स क्या है, कॉमन सेंस क्या है, मुझे पता है मेरा भी चांस आएगा। मेरी माँ फिर याद आ गई। वॉचमैन ऊपर तो नहीं आएगा ना? सवाल ही नहीं, एक नोट दिया है। एक नहीं दो दिया है। तू यहाँ, तू यहाँ कैसे आया? आधी रात को लड़कियों के फ्लैट में आने में तुझे शर्म नहीं आती? तू खुद को लड़की कहती है, लड़की की माँ लगती है। अबे मोटे, ऐसे बकवास करेगा तो इतना मारूंगी कि यहाँ से उठकर जा भी नहीं पाएगा। मैं डर गया, दो घूंट तो पिया है, इतना एटीट्यूड दे रही है जैसे पूरा बोतल गटक गई है। वैसे भी गवर्नमेंट ने लाइट बियर पे 10 रुपए और स्ट्रॉन्ग बियर पे 20 रुपए बढ़ा दिया है। लड़कियों ने पीना शुरू कर दिया इसीलिए हम लोग कंगाल होते जा रहे हैं, तुम लोगों ने दारू की कीमत बढ़ा दी है। ए, क्या बे, कुछ भी बोलता ही जा रहा है तू। अरे सिर्फ बोलना क्या रे, अगर दिमाग खराब हो गया ना तो यहीं पे तुम्हारा श्राद्ध काम कर दूंगा। अरे मेरा गाल कोई मंदिर का घंटा जो बजाते जा रही हो, सुबह जो पीटा उसका बदला लेने आया था मैं,
या फिर से मार दिया? मजाक है क्या? मजाक मजाक में तुम लोग का रजाक हो जाएगा जान लो। अबे क्या होगा रे, अगर मैं एक फोन करूंगी ना तो पूरी की पूरी लड़कियों की टीम आ जाएगी। ए, होल्ड मॉन्की बोतल, मेरे पास कोई टीम विम नहीं है, पर बाहर हमारे टीम का लीडर है। इसके लिए टीम की क्या जरूरत, हम ही लोग काफी है। इससे बात क्यों कर रहे हो, मारो इसे। कहाँ जा रही हो तुम लोग? देखो पीने के बाद मारा मारी नहीं करना चाहिए, समझती नहीं हो? अच्छा जिस गैस को डॉक्टर दवाई दे दे के निकाल नहीं पाया तूने, एक गुस्से में निकाल दिया। जिसमें हिम्मत है सामने आओ, सबकी पोपो करूंगा। यहाँ छुपी है क्या तारा? ऐसा मत कर प्लीज बबलू, प्लीज। थोड़ा सा सुन लो, बेहोश नहीं होगी। एक दो तीन। नहीं पापा, मुझे जाने दे प्लीज। अरे एक दो तीन, बच गया अभी। छी, थोड़ा और। बबलू तुम यहाँ आकर हमारे साथ ऐसी बदतमीजी क्यों कर रहे हो, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। कहाँ जा रही है? ए लड़के, थोड़ा सूंघेगी क्या? तू तेरी तो पता नहीं क्या खाता है, चल जा यहाँ से। यही तो हमसे पंगा, हम वो शेर है जो तोप के गोले से नहीं तोंद के गोले से हमला करते हैं। मेरी तो जान ही निकल गई। पकड़ते इसे। भाई सबको उड़ा के आया हूँ। बदला ले लिया ना? अरे ऐसा वैसा नहीं, मेरा प्रॉब्लम उनका प्रॉब्लम बन गया। चल बैठ, सबको डिस्काउंट डिस्काउंट करके उड़ाया है। चल रास्ते में बताता हूँ। अनीता चलो। ओके ओके, आप भी सूंघेंगे। रीडिंग कितना आया है? 1357 और इसका 100। ये कैसे हो गया सर? फिर से करिए। फिर से क्या मतलब, इसको खेल समझ रखा है क्या? नहीं तो क्या सर, हम दोनों एक साथ वाइन शॉप पे गए, एक साथ बोतलें खोली, एक साथ सारी दारू पी, इसमें परसेंटेज गलत कैसे? मशीन खराब है आपका, आप हमें उल्लू बना रहे हैं। मैं नहीं मानूंगा। मैं नहीं मानूंगा क्या होता है, मशीन सही है लेकिन तुम लोग नहीं सही हो। हम लोग बचपन से सही है, मशीन खराब है। मशीन कैसे खराब होगी? एक बार आप फूके पता चलेगा। अरे यार क्या शो कर रही है, मैंने तो कल किया था यार। कौन सा ब्रांड पिया? अरे आपको नहीं बताऊंगा, अपना एक ही हाल है। देखिए उस बेवड़ी को, सुबह से दारू कटक रही है। ए, एक मारूंगी ना तो सारा नशा उतर जाएगा। फिर हवा छोड़ू क्या? एक बार आप फूक मारो, आप फूक मारो। ए ठीक, जा रहे। कलेक्शन अच्छा हुआ। सर एक मामूली सी गलती को आप नजरअंदाज कर ही सकते हैं ना सर? एक छोटा सा फेवर चाहिए। क्या करना है? बस एक दिन के लिए उनको जेल में डाल दीजिए सर। लड़की तो बड़ी मस्त है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? आज रात को मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी कंप्लेंट कर रही है और तू ही बचाने आ गया? इज्जत से सॉरी बोलिए इसे। तू बीच में क्यों बोल रहा है, उसका जीजा लगता है या भाई लगता है? गलत इंसान को टोकने के लिए पहचान की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छाई काफी। अच्छा इतना समझदार है, क्या काम करता है? क्या काम करता है? क्या करता बोल? काम तो कर दिया। ओए बबलू भाई, पूरा फुटेज रिकॉर्ड कर लिया है, 4K क्वालिटी। अगर ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी ना, तुम जानते हो क्या होगा? क्या रे, धमकी दे रहा है मुझे? BSc का स्टूडेंट हूँ सर, केमिकल के साथ साथ इंसानों की केमिस्ट्री भी जानता हूँ। सॉरी कह दीजिए, वरना कल सुबह तक स्टार बना दूंगा। सर अभी आपके स्टार बनने से अच्छा है सॉरी बोल दीजिए इन्हें। सॉरी। अब आप लोग जा सकते हैं। मैडम आप भी जाइए। चल चल चल। क्या छोड़ा है? वैसे उनके साथ अपनी जमती नहीं है, तूने उनको सपोर्ट क्यों किया? आज अगर कोई लड़का ड्रंक एंड ड्राइव में किसी का मर्डर भी कर देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर एक लड़की किसी केस में पुलिस स्टेशन में जाए तो सोसाइटी उस लड़की के बारे में बहुत गलत बात करती है, उसकी पूरी फैमिली को परेशान करती है, और लड़की कॉलेज छोड़ देगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार, इसलिए मैंने ऐसा किया। Thank you.
चली गई थी तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। मैं भी तो ढूंढ ही रही हूँ ना। अच्छा ठीक, चल क्लास में चलते। अरे मैं तुझे थोड़ी ढूंढ रही हूँ। तो फिर अभी समझ में आया, रात को मैंने भी नोटिस किया था। ए प्यार हुआ क्या? कहीं तुझे उस सुधीर से प्यार तो नहीं हो गया ना? कोई बात नहीं, अच्छा कलर है, काफी क्लेवर है, तेरे लिए बहुत अच्छा मैच है। प्रपोज करेगी क्या? कैसे प्रपोज करूँ, वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। ओहो अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। आइडिया क्या? सुधीर शाम के वक्त डांस एकेडमी चलाता है, अगर तूने भी वो ज्वाइन कर ली तो तुम दोनों के बीच ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री वर्कआउट हो जाएगी। माय गॉड, तू तो जीनियस है यार। मेरे पास ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं। आई लव यू। बबलू सॉरी, सिचुएशन सीरियस हो गई थी इसीलिए मारा। अच्छा तरीका है, पहले दांत तोड़ दिया अब डेंचर दे रही है, यहाँ क्यों मरने आई हो? ए, डांस एकेडमी में क्यों आते हैं? डांस सीखने के लिए ही ना। यहाँ बॉयज और गर्ल्स को डांस सिखाया जाता है, तेरे जैसे डायनासोर को नहीं। यहाँ चबे मोटे कहीं के। ओए ओल्ड मंकी बॉटल, ये लैंग्वेज में बात नहीं करने का, दम है तो शुद्ध हिंदी में बात करके दिखा। बात करती है बबलू, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे जा, कुछ नहीं होगा। प्लीज बबलू, प्लीज मेरे लिए ना प्लीज। ठीक है बैठो। सुनो आओ। ए तू कहाँ चली? वहीं था। ए जा रही थी। ये इतनी तो। ओके स्टार्ट, 1 2। सुनो ये डांस नहीं, फॉलो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा कर रही हो, एक बार और करते हैं। रेडी? Get the posture thing. Hips don't lie. क्यों रे, केमिस्ट्री अच्छे से वर्कआउट हो रही है ना? उसी प्लान में हूँ, थोड़ा स्पेशली प्रपोज करना चाहती हूँ मैं। स्पेशल सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे बोल के बताना मतलब प्राइज। हाँ। और बिना बोले वो सरप्राइज। हाय सुधीर। हे बिंदु, कैन आई सिट? या श्योर। एक्चुअली कल एक छोटी पार्टी है। पार्टी है? yeah. किसके लिए? सरप्राइज, तुम जरूर आना। हाँ ओके आऊंगा। Please? Yeah, I'll come. Thank you. I'll okay. Thanks. Bye. Bye. फर्स्ट प्रियंका के पास जा, नहीं तो ज्योति के मैं पास जा। मोटे से कुछ नहीं हुआ तो मानसा के पास जा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्या बात है, तेरी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है? ये गर्लफ्रेंड्स का नाम नहीं है, हम तो जहाँ जाते हैं वाइन शॉप्स का नाम है। तुम लड़कों को कोई काम नहीं है क्या? दारू के पीछे इतने की पागल होते हो? पागल तू है, पीती नहीं है तो तुझे कैसे पता चलेगा? असल में एक वाइन शॉप जाके एक कैरेट बियर गोद में लेने पे पता है कैसा लगता है? कैसा लगता है? लगता है अपने बेटे को उठा लिया है। बात करती है, कोई नहीं है। मुझे ना तुझे एक बात बताना है। क्या बताना है? वो ना, जब मैंने तुझे देखा तो मैंने सोचा हम दोनों की बॉडी डबल सिलेंडर है। हा? अगर हम दोनों मिल गए ना तो एक एक क्वार्टर बॉटल साथ में खत्म करेंगे। हु? तुझे मैं हमेशा लड़की की माँ कहता था ना, मामला फिक्स हो गया ना तो उस लड़की का बाप मैं बनूंगा। ए,
दारू पी के ना कुछ भी बकवास मत कर। दारू ज्यादा नहीं हुआ रे, प्यार ज्यादा हो गया है। प्यार? छी, तुझसे प्यार कौन करेगा? ऐसे क्या उल्टी कर रही है, मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या? असल में हाय बिंदु, प्लीज यार समझाए इस मोटे को। हाय बबलू, बबलू सुधीर कहाँ है? सुधीर वो देखो आ रहा है। हाय हाय सुधीर। हे बिंदु, लुकिंग गॉर्जियस टुडे, अरेंजमेंट्स आर ब्रिलियंट। वैसे पार्टी है किस लिए? सरप्राइज। ए, इस वक्त ये अच्छे मूड में लग रहा है, टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से माइक ले और अपने मन की बात बता दे। सुधीर वन मिनट। पीले पीले। ए गाइस, सब नीचे आ जाओ, बिंदु का सोलो परफॉर्मेंस है। कम 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 कम। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मैं सच में हैप्पी हूँ। अगर कोई फ्री वर्ड है तो वो सिर्फ मैं हूँ। इस बीच धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ शुरू हुआ, मतलब कुछ हुआ है। आई थिंक आई एम फाइनली फॉलिंग इन लव। आप लोगों में से कई लोग एक दूसरे से प्यार करते होंगे, लेकिन उन दोनों के अलावा और किसी को भी ये बात पता नहीं होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आप सबके सामने उसे प्रपोज करने के लिए मैंने ये पार्टी अरेंज की है। कौन है वो लकी पर्सन? वो लकी पर्सन नहीं है, अगर वो मेरा प्यार एक्सेप्ट करेगा तो मैं लकी पर्सन बन जाऊंगी। वैसे है कौन वो? सुधीर, आई लव यू। हे भाई, कांग्रेचुलेशंस। आई लव यू सो मच। सुधीर, अरे रुको। उसने तुम्हें प्रपोज करने के लिए इतना सब कुछ प्लान किया और तुम जवाब दिए बिना जा रहे हो। अब मैं क्या बात करूं, उसने कहा सरप्राइज पार्टी, इसलिए मैं आया। पता होता ये सब होगा तो कभी नहीं आता। मतलब वो तुम्हें पसंद नहीं है क्या? पसंद करता हूँ, लेकिन सिर्फ फ्रेंड के रूप में, उससे ज्यादा मेरे दिल में कुछ नहीं है। उस एंगल से मैंने उसे देखा ही नहीं। डांस एकेडमी में स्टूडेंट के रूप में देखता हूँ, क्लासरूम में क्लासमेट के रूप से। पता नहीं था उसके दिल में ये सब चल रहा है। जो भी बात है तुम्हें उसे बताना तो चाहिए ना। उसे बताकर क्या फर्क पड़ने वाला है, सिचुएशन तो चेंज नहीं होगी ना। उसे हर्ट होगा भाई, एक बार सोच तो ले। तो इस वक्त क्या वो हर्ट नहीं हुई है? Yeah!
यहां पर चल क्या रहा है? गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है। कहीं से बॉल की आवाज आती है, किसी के हंसने की आवाज, और जब मैं ऊपर आता हूं तो मेरी पेंटिंग्स को फाड़ दिया गया है। यहां चल क्या रहा है? हे भाई, कैसे फोन किया? अरे कुछ नहीं यार, मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक पार्टी देता हूं आज। पार्टी? लोकेशन शेयर कर रहा हूं और शाम को ड्रिंक भी शेयर करूंगा। तू ही मेरा असली दोस्त है भाई। तूने साबित कर दिया कि दारू बिना दोस्त के नहीं पी जाती। तू वहीं रुकना, मैं आ रहा हूं। चल मिलते हैं। जा। भाई, आ गया भाई। अरे रे 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 रे, आजा। वाह 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 वाह, फार्म हाउस, नया हाउस है। वाह, अच्छा सेटअप किया है भाई। देख भाई, पहले ही तू बहुत लेट आया है, तो पहले दो पैग लगा, फिर आराम से बातें करेंगे। अच्छा है भाई। अरे हाँ भाई, एक बात तो कहना भूल गया, आते वक्त गेट अपने आप खुल गया था। मेरी तो वाट लग गई थी, दारू पीने के बाद ठीक लग रहा है। हाँ, वो इस बिल्डिंग की स्पेशलिटी है। अच्छा, लेडीज हॉस्टल में भी ऐसी स्पेशलिटी होती तो मजा आ जाता। तू भी ना बबलू, कभी सुधरेगा नहीं। दो पैक तो पी लूं, फिर देख मैं कैसे सुधरता हूँ, देखता जा। हाहाहा
भाई वो साउंड क्या था? इस फार्म हाउस में अपना हाउस सेट करने का कोई प्लान तो नहीं कर लिया तूने? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। होशियारी मत दिखा, जब तूने व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करके यहाँ बुला के दारू पिलाया तभी मैं समझ गया था। अरे मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो तो सुन, यहाँ का पैक तेरे लिए, अंदर का हक मेरे लिए। सपनों की रानी, मैं आ रहा हूँ। अरे सुन तो। यहाँ है। ओ हसीना, कहाँ पे है तू? कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू। नहा रही हो क्या? सुनती हो? ये बबलू शहर से इतनी दूर बाथरूम तक आ गया, तुझे बाहर निकलने में क्यों टाइम लग रहा है? अरे अचानक जल्दी आ रही हो क्या? नहीं आ रही हो। आ रही हो? 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 नहीं आ रही हो। कौन है बे? अरे कौन है बे तू? हाँ तू तू डरा क्यों रहा है? मैं तेरे को फालतू नजर आ रहा हूँ। बबलू नाम है मेरा। हाँ अरे दिखाई क्यों नहीं दे रहे बे? मैं तो सामने आके दिखा। भूतों को भी बदबू आती है क्या? अरे सुधीर, अरे सुधीर, अरे क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर जरूर कोई भूत है। मतलब ऐसी बात खुद बबलू कर रहा है? पता नहीं था बबलू भी डरता है। मैं कैसा डरूंगा, बस दारू ज्यादा हो गई थी तो मजाक कर रहा था। मैं डरूंगा क्या, नॉनसेंस। अच्छा ठीक है, चल। कहाँ चलना यार? कहाँ पे भाई? अरे चलना। अरे 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 क्या कर रहा तू? चलना। अरे मेरी गैस निकल जाएगी। अरे मैं हूं बबलू। भाई यार कुछ तो गड़बड़ है, कंफर्म। वही तो पता लगाने के लिए हम यहाँ हैं। मतलब तुझे पता था फिर भी मुझे बुला लिया? पता करना होगा। अबे जिसके बारे में पता करना है कोई इंसान नहीं है, भूत है भाई। अरे तू बबलू है बबलू। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हर बात में बबलू बबलू कह के मेरी मत ले। अब क्या उसको ढूंढना ही है ना, चल।
ये भूत भी कैसे दिखते हैं पता ही नहीं। भाई आ गया क्या भाई? तू ही मेरा असली दोस्त है। दारू में भी साथ रहता है, सुसु में भी साथ रहता है। अपनी जोड़ी जय वीरू वाली है। भाई भाई कहां पे? ये भूतनी के साथ हंस रहा है, इसे इंसान और भूत के बीच का फर्क ही नहीं पता। ए बबलू अंदर आ जा यार, तुम्हें किसी से मिलवाता हूं। आ जा। क्या है यार ये? अरे आ जा, अब डरने की बात नहीं है, बैठ जा। ए तू डर मत, वो लड़की कोई भूत वूत नहीं है, दरअसल वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों यहाँ टाइम स्पेंड करने के लिए आए, हमें किसी ऐसी जगह पे जाना था जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं तुम्हें भी यहाँ बुलाऊं। तो अब तू डर मत, रात बहुत हो गई, चल जाकर सो जाते। ठीक है। बबलू क्या जरा यहाँ आओ, मैं वहां हूं। दीदी तुम क्यों तकलीफ करती हो? क्या है बबलू? क्या मैं भूत की तरह दिखती हूँ तुम्हें? मुझे देखकर इतना डरते क्यों? तुम भूत कहाँ हो, तुम तो देवी हो। अरे बताना यार इसे। बापरे। अरे मेरी किस्मत। तेरा दुख मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा मेरा भी दुख समझ लेना। मतलब तुझे पता है ना, बिना 90 गट के मेरा दिमाग नहीं चलता। बैठ के बात करते हैं ना, आजा। भाई इस दारू की खोज उसने किया होगा जिसको किसी लड़की ने धोखा दिया होगा। अमृत का खोज किया है भाई, अमृत का। ठीक, इसकी तो साउंड आया, मूड खराब हो गया। क्या पियेंगे यार? ये चल।
तू जा भाई, मैं नहीं। अरे आ गई तुम, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। कहाँ गई थी तुम? तुम दिखाई नहीं दी तो बहुत टेंशन हो गई थी। इट्स ओके, अब तुम आ गई हो तो अब नो टेंशन, वेरी वेरी हैप्पी। अरे मुझे डर लग रहा है। आओ मेरे साथ, चलो। पानी पियो। फर्स्ट एड किट कहाँ? पहले मैं सोच रहा था कि यहाँ जो कुछ हो रहा है नंदू कर रही है, पर नंदू की ऐसी हालत देखकर लग गया यहाँ कुछ गड़बड़ है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? सवाल क्या हो रहा है ये नहीं है, सवाल यह है कि क्यों हो रहा है। समथिंग इज रॉन्ग, बस एक बार पता चल जाए। ये फिर से कहां चली गई? बबलू, ए बबलू उठना। क्या हुआ? उठ, नंदू फिर से कहीं गायब हो गई है। परेशान मत हो भाई, आ जाएगी। क्यों यार, अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा है? वो कब आएगी पता नहीं, कब जाएगी पता नहीं। हम लोगों का दिमाग खराब कर रखा है।
चल। अरे लो लो बैठो। कॉफी है कि गटर का पानी? ये क्या यार, इसने टारगेट मुझे बना रखा है। यार बबलू, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं जाकर सो रहा हूँ। मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी जाकर सोता हूँ। जिस गैस को मैंने वरदान समझा था वही मेरे लिए श्राप बन गया। इसकी तो, इस बॉल की आवाज सुन के मेरी तो जान निकल रही है। इधर आ। बबलू दीदी, सब देख लिया? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं देखा। देखा देखा। तो फिर अपने दोस्तों को सब बता देगा ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा।
बे मोटे, डर गया क्या? दीदी मैं तुमसे राखी बंधवाऊंगा और साथ में गिफ्ट भी दूंगा। तुम ऐसे मत देखो, मेरी पैंट गीली हो जाएगी। तुम हाँ बोलो, मैं अभी यहाँ से उड़ जाऊंगा। उत्तरी, अरे अरे पानी में क्यों सो रहा है ए बबलू? रात को वो सोने नहीं देती, दिन में तू सोने नहीं देता। कहाँ फंस गया हूँ? क्या हुआ, कल रात बहुत बातें की? नहीं, झगड़ा हुआ। बताऊंगा तो वो मारेगी, नहीं बताऊंगा तो ये मारेगा। लगता है तेरी उतरी नहीं है, पहले जाके फ्रेश हो जा। और हाँ, आज वैलेंटाइंस डे है, इसलिए नंदू को सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। भाई तू प्लान बनाता रहे, मुझसे तो कुछ भी नहीं बनेगा। अब तू ज्यादा बोल मत और बाहर निकल के फ्रेश हो जा। कम फास्ट। वैलेंटाइंस डे के दिन लड़कियों को आई लव यू कहते हैं, आत्माओं को नहीं कहते। क्या है इसकी परेशानी? ए नंदू आ रही है। आ गई। हे हैप्पी वैलेंटाइंस डे, दिस वे। वन सेकेंड। क्या यार कर, बाप रे, कहीं इसी मोमबत्ती से ना जला दे। देयर यू गो, छोटा सा केक कटिंग। प्लीज कट द केक, कम ऑन। बाप रे, मूड में आ गई। नंदू, अरे अरे अरे, बोला था ना यार। अरे अरे अरे, तू चला तो आई पहला कटल अंदर। इतने दिन तेरी खोज की, इतने दिन धीरज रखा, धैर्य रखा, जान से ज्यादा प्यार किया, इसी दिन के लिए क्या? इसे तू नहीं पा सकता, पाने नहीं दूंगी, बेरहमी से इसे मार डालूंगी। अरे क्यों यार, दुखी क्यों हो रहा है? चुप कर, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज में बिंदु ने तुझे प्रपोज किया, तूने कहा तू इस लड़की से प्यार करता है, ये लड़की तुम दोनों का फोटो देकर मार डालूंगी, तोड़ डालूंगी धमकी दे रही है। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की को तू पहले से जानता है? जानता हूं और अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं।
नंदू को देखा क्या? नंदू को देखा? ए नंदू, तुम यहाँ पर बैठी हो और ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? मेरा मूड ठीक नहीं है। अच्छा, पता है तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है, कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। छोड़ो, एनीवेज, अ स्मॉल गिफ्ट। वाओ, सो स्वीट, आई लव यू सुधीर। लव यू टू। सुधीर, मुझे तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। ओके, तो कहाँ चलें? चॉइस इज योर्स। मेरे फ्रेंड का एक फार्म हाउस है, वहाँ चलें क्या? ओके, चलते हैं। Automatic. Impressed? Hey. So romantic. Hey. सुधीर, ये सारी पेंटिंग्स तुमने ही बनाई हैं? नहीं, तुम्हें इंप्रेस करने के लिए रोड पे 100 रुपए में जो पेंटिंग्स बनाते हैं ना, उन्हीं से बनवाई है। मुझे तो डाउट हो रहा है। उठो। क्या है? Get up. What? I said get up. ये क्या है? मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। ओके।
नंदू, यहां पर चल क्या रहा है? गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है। अचानक कहीं से मुझे बॉल की आवाज आती है, किसी के हंसने की आवाज, फिर नंदू को चोट लगना। आखिर यहां चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा टाइम स्पेंड करने आए थे और यहां पर ये सब कुछ हो रहा है। मैं उसे इस हालत में नहीं देख पा रहा हूं बबलू। जब उसकी आंखों में आंसू होते हैं ना, तो बर्दाश्त नहीं होता।
जब उसके सिर पर खून देखा तो मेरी जान निकल गई थी। तभी मैंने डिसाइड कर लिया, ये जो भी है मैं पता लगाऊंगा। और फिर मैंने तुम्हें कॉल किया। तुम्हारे आने के बाद जो भी हुआ ये तो तुम जानते ही हो। सर सर, फार्म हाउस है सर। सर, ये रेव पार्टी का अड्डा है, अगर हम अंदर जाएंगे तो पाउडर के साथ हमें सब कुछ मिलेगा सर। चलो देखते हैं। अंदर लड़कियां हैं सर। हाँ चलो देखते हैं ना, आओ। यहाँ पुलिस क्या करने आई है? ओहो, आइए देश के रखवाले, रेड मारने के लिए आए हैं क्या? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अंदर लड़की है क्या? लड़की क्या सर? हे, ये बिग बॉस हाउस नहीं है, फार्म हाउस है। ये नाटक करना बंद कर, लड़की कहाँ है ये बता मुझे। यहाँ कोई लड़की नहीं। अच्छा? है। अच्छा, यकीन करिए सर। क्यों रे, हम तुझे उल्लू दिख रहे हैं क्या? जो कह रहा हूँ बात को समझो सर। सुन भाई, 302 सर, जरा ये लाठी पकड़। हाँ। सर सर मत जाइए सर। रुकिए सर, पीछे चल। अरे बाप रे, क्या मस्त फिगर है। कहाँ से आई हो, मुंबई या फिर चेन्नई? अरे जरा इधर तो देखो, पीछे से ही देखकर मैं हिल चुका हूँ। दरअसल आजकल बीवी भी मायके गई हुई है। एक बार इधर घूम के देखोगी क्या? निगाहें मिलाने को जी चाहता है। मैं पूछ रहा हूँ, इधर देखोगी क्या? देखूंगी तो सह पाओगे क्या? ओ देवी जी, पुलिस वाला हूँ, पता नहीं कितने ऐरों गैरों को सहन किया है अभी तक। मेरी बात मानो डाली, इधर देखो ना जरा। अरे घूमो। क्यों बे, जोश आया कि नहीं? जोश तो क्या, अब तो होश भी चला गया। जा जा। सर सर क्या हुआ सर, सर सुनिए ना। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। हाँ। यहाँ पे भूत है, ये बात तो फिक्स हो गया। अब क्या करें? हाँ भाई, मुझे एक आइडिया आया है। मेरे पहचान में एक स्वामी जी हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, वो कुछ बताएंगे शायद। स्वामी जी क्या करेंगे यार? अरे वो ऐसे भूत भूत को लूट लेते हैं, मेरी बात मान। हेलो स्वामी जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? जय भवानी, क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं स्वामी जी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मेरा एक दोस्त है, उसके शरीर में आत्मा इनकमिंग आउटगोइंग कर रही है स्वामी जी, बस आप उसका नेटवर्क काट दीजिए। सुन बच्चा, इस समय मैं आश्रम से बाहर हूँ, वापस आने में एक हफ्ता लगेगा। आने के बाद मैं तुझे फोन करता हूँ। ठीक है स्वामी जी। छे, उनको आने में एक हफ्ता लग जाएगा। बस पता चल जाए कि वो हर रोज कहाँ चली जाती है। गुरु जी का वेट करेंगे तो एक वीक में पता चलेगा। मेरे प्लान के हिसाब से चले तो कल रात पता चल जाएगा। ऐसे कैसे भाई? Thank you.
कौन हूँ ये पता लगाने के लिए। अच्छा प्लान बनाया, पहचाना क्या? नहीं पहचाना तूने? हमारा कोई पिछले जन्म का नाता नहीं है, बहुत पुराना बंधन है। तेरी जान मांग रही हूँ प्यार के लिए, इसे बचाने की सोच रहा है क्या? मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं होने दूंगी। मेरे आंसुओं की वजह जो कोई भी है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नंदू में चित्रा कैसे आई? चित्रा बास्केटबॉल प्लेयर है। अरे जल्दी, आप पैंट गिली हो रही है सुधीर। अरे क्या हुआ यार, क्या हुआ? सोचा नसीब से बच गया, लेकिन वापस यहाँ ले आया तू। वहां उसको चिल्लाते देखा था ना, फिर उसी के घर में क्यों लेके आ गया? बाप रे, तू चाहता क्या है? अनीता चित्रा की फ्रेंड है। अनीता ओपन द डोर। अनीता मैं अनीता प्लीज ओपन द डोर, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? पिंदू के मरने के बाद उसे एक बार देखने के लिए भी नहीं आ सके तुम? बिंदु की मौत हो गई? बिंदु, तुम मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार हो गई, इससे पता चलता है तुम कितना प्यार करती हो। लेकिन तुम्हें भी इस बात को समझना होगा कि मेरी जिंदगी में भी एक लड़की है, उसका नाम नंदू है। और प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जाता। एक और बात याद रखना, प्यार के सिवा भी जिंदगी में बहुत कुछ है। अनीता प्लीज टेक केयर ऑफ हर। उस दिन जब तुमने बिंदु को बचाया, उसके बाद से उसने तुम्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। तब बिंदु को पता चला कि नंदू कौन है। और एक दिन सुनो, तुम्हारा और सुधीर का अफेयर चल रहा है। जैसा तुम समझती हो सुधीर वैसा नहीं है। अगर सच बता दूं तो वो मुझसे भी प्यार करता है। तुम्हारी बकवास कहानी पर मैं भरोसा कर लूं? इतनी भी पागल नहीं हूं। एक मिनट रुको, ये सुधीर का नंबर है ना? हाय सुधीर, कहाँ हो? बहुत बोर हो रही हूँ। एनीवे, रात को फार्म हाउस का प्लान करें? ओके, यस आई लव यू टू, बाय। बातों पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन आंखों देखी पर आसान। एनीवे, इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट सुधीर, रात को फार्म हाउस आ जाओ, मैं लोकेशन भेजती हूँ।
आओ नंदू। नंदू? शॉक हो गई क्या कि सुधीर यहां नहीं है? एनीवे लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। सुधीर मुझे चाहिए, मतलब सुधीर को तुम्हें भूलना होगा। उसके लिए क्या चाहिए, कितना चाहिए बता देना। एंड दैट मीन्स यू नीड टू गो फार फार अवे फ्रॉम हिम। आई होप यू वेल अंडरस्टूड। ओहो, तुम्हारा प्लान अब समझ में आया। पैसों से कुछ भी खरीद सकते हैं लेकिन प्यार नहीं खरीद सकते। सुधीर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और बहुत जल्द हम शादी भी करने वाले हैं। अगर तुम मुझसे इस बारे में कोई बात करना चाहती हो तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। चीटर। ए, तुझमें अकल नहीं है क्या? क्या कर रही है? चल पहले इसे सॉरी बोल। सुधीर ने तुझसे कहा था कि वो तुझे पसंद नहीं करता, वो नंदू से प्यार करता है। नंदू, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। तुम चलो, चलो। अनीता। नंदू, बिंदु की मॉम बचपन में ही गुजर गई थी और उसके पापा दूसरी शादी करके अब्रॉड में सेटल हो गए। तब से वो इतनी जिद्दी हो गई है, किसी की बात नहीं सुनती। उसे जो करना है बस वही करती है। I'm sorry, तुम इन सब बातों का बुरा मत मानना। It's okay. उसे मैं संभालूंगी। No problem. बिंदु, ए बिंदु, 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 देखो इसने क्या पागलपन कर लिया। नंदू प्लीज हेल्प मी। नहीं जाना है, चलते इसे। नहीं जाना है मुझे। क्या ये? मेरी लाइफ में मुझे बहुत आती है। बचपन से माँ नहीं है और जान से भी ज्यादा जिसे चाहा सुधीर भी मेरा नहीं हो पाया। तुम सुधीर से कितना प्यार करती हो ये बात मुझे अब समझ आई। अब मैं समझ गई हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। यही दुआ करते हुए मैं हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से जा रही हूँ। बिंदु तुमसे बहुत प्यार करती थी इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। और चित्रा के साथ क्या हुआ था? चित्रा को तुम कैसे जानते हो? चित्रा से शादी करने वाला मैं ही था। यह सच है कि चित्रा से मैं प्यार करता था लेकिन यह भी सच है कि चित्रा और भी कई लड़कों से प्यार करती थी। किसी के साथ वो सुबह जॉब पर जाती थी तो शाम को शॉपिंग के लिए किसी और के साथ। एक से पैसा लेकर किसी और को गिफ्ट देती थी। इस बारे में मैं नहीं जानता था और ना ही मेरी फैमिली। मैरिज की डेट फिक्स हुई और हमने वेडिंग कार्ड्स भी बांट दिए थे। ऐसे ही मैंने एक कार्ड मेरे फ्रेंड को दिया तो मेरा वेडिंग कार्ड देखकर वो शॉक हो गया। उसने कहा कि कभी ये उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। ये बात पहले मैंने नहीं मानी लेकिन फिर भी अपने मन की शांति के लिए मैंने जाकर देखा। वो तुम ही थे? ए, तुम जब चले गए तो पता है क्या हुआ था? क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? सुधीर फोन नहीं उठा रहा है, मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर रहा है। ये क्या पागलपन है? जान से भी ज्यादा प्यार किया दीदी, लेकिन उस लड़की का अफेयर मेरे साथ साथ कई और लड़कों के साथ भी था। अब वो किसी और लड़के के साथ अपना घर बसा रही है। प्यार में धोखा मिला तो मरने की क्या जरूरत है? तुम में हिम्मत नाम की चीज है कि नहीं? अगर दम है तो उसे जाकर सबक सिखाओ। ये क्या पागलपन कर रहे हो? नाम बताओ लड़की का। तुझे दुल्हन बनते देख बहुत खुश हूँ बेटी।
बचपन में ही माँ का साया सिर से उठ गया, तभी से मैंने बाप के साथ साथ माँ की जिम्मेदारी भी निभाई है। मेरी बस यही दुआ है कि तेरे गम मुझे मिल जाए। पापा प्लीज। तुझे अच्छा रिश्ता मिल गया, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। पापा आपने देखा, आपने जैसा चाहा वैसा ही हो रहा है। शाबाश, तीनों को इस्तेमाल करके धोखा देकर अब किसी और की जिंदगी बर्बाद करने निकली हो। ए बिंदु, तू यहाँ कैसे? तुम चुप रहो, खामोश क्यों हो तुम? बात क्या है बेटी, और कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, आपकी बेटी का कैरेक्टर कैसा है ये जानना जरूरी है। तुम्हारे पीछे घूमने वाले लड़कों में से एक मेरा भाई भी है। औरतों का मान सम्मान रखने वाले अच्छे खानदान से हैं हम, लेकिन तेरी वजह से मेरा भाई पूरा बर्बाद हो गया। बिंदु, ये कैसी बातें कर रही है तू? ये ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। मेरे फोन में जो वीडियो है उससे पता चल जाएगा कि ये कैसी लड़की बिंदु, है। बिंदु प्लीज। जी जी, क्या है? देखो तो, कैसी औरत है रे तू? बाजारों की तरह इतने लोगों के साथ घूम कर अब पतिव्रता बनने का नाटक कर रही है? कैसे है वो माँ बाप जिसने तुझे जन्म दिया? भैया, लड़के वालों ने चित्रा का कोई वीडियो देख लिया है, शादी कैंसिल कर रहे हैं। भैया, भैया, अंकल, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी। कोई पानी लेके आओ। पापा। ऐसी लड़की को कॉलेज में भेजना छोड़ो, पैदा करने में भी डर लगता है। लड़कों के साथ घूम फिर के अंत में पिता को भी मार डाला। बताइए, पापी कहीं की। आंखें खोलने से पहले माँ को खो दिया, आंखों के सामने पिता को मार डाला। छी, तेरा कैसा जन्म है? जिंदा रहने से मरना बेहतर है। बाप को भी खा गई। अरे कहाँ जा रही है? चित्रा, 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 अरे हेलो, हेलो डॉक्टर, जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए, बात कीजिए। हेलो ये सब हुआ था। भाई क्या हो गया? भाई तुम इतना सोचो मत, मुझे एक जबरदस्त आइडिया आया है, अपने साथ साथ अनीता को लेकर चलते हैं। अनीता चित्रा की बेस्ट फ्रेंड थी, शायद हमें हेल्प मिल जाए। तुझे लगता है वो आएगी? अरे तो रुक, मैं सब सेट करता हूँ, देखता जा। ए अनीता। हाँ? तुमसे कुछ बात करनी है। क्या है? सुधीर नंदू से कितना प्यार करता है तुम जानती हो ना। पर यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि नंदू अजीब तरह से बिहेव कर रही है, कभी वो इसके करीब आती है और कभी इसे दूर चली जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम जानती हो ना सुधीर कैसा लड़का है, तुम्हें उन दोनों को मिलाना होगा। मैं क्या करूं? तुम एक बार नंदू से बात करोगे तो शायद वो मान जाए। प्लीज। ठीक है, चलो। नंदू, नंदू। अबे मोटे, नंदू कहाँ है? परेशान मत हो, आने का टाइम हो गया है। आने का टाइम क्या? यहाँ पर नहीं है क्या? ऊपर आराम फरमा रही है, अभी पधारेगी। वो देखो, सिग्नल हो गया है, अब पधारेगी। थोड़ा ध्यान से हा? क्या ध्यान से बे, यहाँ कोई भूत है क्या? है कि नहीं खुद ही देख लेना। क्या कहा? कुछ नहीं, बहुत दिन हो गए ना बात किए हुए, तो थोड़ा ध्यान से बात कर लेना। ठीक है, चल भाई निकलते। अरे लेकिन, अरे चलना यार। ए तू जा जा, I'll handle it। हाँ, अभी तेरा हैंडल ही लेगा। चल 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 चलते। वो अंदर अकेली है यार, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। अरे यार तू बिल्कुल टेंशन मत ले, चित्रा उसकी फ्रेंड है, उसे कुछ नहीं करेगी। अनीता, कैसी हो तुम? कितने दिनों के बाद मिल रही हो ना?
मिली तो एक ही बार है पर इतना प्यार दिखा रही है, इससे डील करना आसान होगा। क्या हुआ, कुछ बात क्यों नहीं कर रही? अब क्या बात करूं, तुम बहुत अच्छी हो ऐसा सोचती थी, पर उस दिन तुमने बिंदु से क्या कहा? सुधीर और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं, पर अब ये सब क्या कर रही हो तुम? ऐसी होगी मैंने सोचा भी नहीं था। ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो, मारोगी क्या? सोचती थी कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर तुमने प्रूव कर दिया कि तुम टाइम पास कर रही हो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे अभी बताती हूँ, रुक। अरे मोटे बच्चा, लगता है वाट लग गई इसकी। वो क्या पागल हो गई है, लगता है उसकी बॉडी में कोई भूत चढ़ गया है। अरे पगली, जिसे भूत अच्छी तरह जकड़ पकड़ ले वो भूत जैसा ही तो बिहेव करेगा, वो भूत ही है। मुझे पहले से ही पता था कि बिंदु नंदू को छोड़ेगी नहीं, वो मरने के बाद भूत बन के अब उससे बदला ले रही है। बिंदु मेरी दोस्त है इसलिए उसे कन्विंस करके यहाँ से किसी भी तरह बाहर जाना होगा। नंदू, बिंदु, बिंदु, भगवान मुझे बचा ले। अनीता, नंदू, जी, बिंदु, तुमने सुधीर से कितना सिंसियरली प्यार किया था वो मुझे पता है, पर फिर भी वो नंदू से प्यार कर बैठा, उससे प्यार की वजह से ही तुमने सुसाइड कर लिया। तुम्हारा प्यार सच में ग्रेट है, मेरी फ्रेंड चित्रा की तरह नहीं, उसने तीनों को धोखा दिया, अपने पिता की जान ले ली, उसी वजह से वो मर गई। मैं कौन हूँ पता है, चित्रा। चित्रा, मेरी लाडली, मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड। पियो, मुझे आदत नहीं है तुम्हें पता है ना। बाप रे, फ्रेंडशिप का मतलब क्या है? फ्रेंडशिप, फ्रेंड अगर गलती करे तब भी उसका साथ देना, तो फिर तुमने क्या किया? मेरे मरने के बाद भी मेरे बारे में बैड पब्लिसिटी कर रही हो, सही कहा ना? क्यों रे, डर रही हो? हे, मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड चित्रा हूँ। बी कूल। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किए काफी दिन हो गए ना, आओ चलो, आओ ना, आओ, कम। सो जाओ। नहीं प्लीज। मुझे हनुमान के अनुगुण सागर, चाहे कभी से थे लोग हो चाहे कर राम दूधा तुरंत बलता। Huh?
क्यों मस्त पड़ा ना तुझे? क्यों बे मोटे कहीं के? नंदू में चित्रा ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो तेरी दोस्त है ना, सोचा तू कंट्रोल कर लेगी। कंट्रोल कर लेगी सोचा था? जीते जी आज तुम दोनों ने मुझे नर्क के दर्शन करवा दिए। अनिता, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों को ये सब देखना पड़ रहा है। अब तक जो हुआ ठीक है, अब मैं देख लूंगा। तुम दोनों जाओ यहाँ से। अरे भाई, अब तक उसके हाथों कई बार मार खा चुका हूँ। कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगर मैं चला गया तो दोस्ती के साथ धोखा करना होगा। अब हम नंदू को लेके ही जाएंगे। अनिता तुम चली जाओ। हो, इसके फ्रेंड तो तुम ही हो ना? मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और हम तीनों मिलकर नंदू को बचाएंगे। ठीक है, चलो ढूंढते उसे। वैसे भी नंदू अपने रूम में नहीं है। टाइम इज 3:30, हर रोज वो इसी टाइम पर गायब हो जाती है। सुन, हम बाहर थे और अनिता अंदर थी। वो फार्म हाउस छोड़ के कहीं नहीं गई होगी, वो अंदर ही होनी चाहिए। हाँ। पानी लीक हो रहा है टेरेस पर ऊपर। जी को अभी कभी यहाँ बोला। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो कवरेज एरिया से बाहर है। नेटवर्क नहीं है, क्या करें? नेटवर्क आ रहा है, ट्राई कर, ट्राई कर। The number you're calling is currently busy. गुरुजी, कहाँ पे हैं आप? अच्छा, मैं फार्म हाउस के पास ही हूँ। हम अभी आ रहे हैं। Let's go. जी को कॉल कर। Yeah.
रहा है समझ में नहीं आ रहा क्या? जाने दो, मैं बताती हूं। तुमने मुझसे शादी नहीं की, इसकी वजह से बिंदु ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी और उस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। जब मैं मरी थी उसी वक्त मैंने बिंदु को अपने कंट्रोल में कर लिया था। तभी फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें कॉलेज में देखा था। बिंदु के जरिए तुमसे मैंने प्यार किया ताकि जिंदगी भर तुम्हें नर्क दिखा सकूं। सुधीर, आई लव यू। पर मेरा बैड लक, बिंदु के लव को तुमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तब तक नंदू को जान से ज्यादा प्यार करने लगे थे तुम, इसीलिए नंदू को लेकर आए। तुम्हें भूल जाने के लिए मैंने इसे वार्निंग दी थी। आई होप यू वेल अंडरस्टूड। चीटर। पर वो नहीं मानी, इसीलिए मेरी मौत की जिम्मेदार बनी बिंदु को मैंने मार दिया। हाँ, बिंदु को मैंने ही मारा, तेरी नंदू के अंदर प्रवेश भी किया। तुम्हारे साथ अकेले में समय बिताने के लिए तुम्हें यहां पर जो लेकर आई वो नंदू थी क्या? चित्रा थी। पहले दिन तुम्हें दिखाई न दूं इसका इंतजाम किया और मैं कामयाब भी हुई। उसके बाद नंदू को कुछ हो गया ऐसा शक तुमने पैदा किया और तुमने यकीन भी किया। सिर्फ रात को ही तुम्हें नजर आकर ये मैंने किया और दिन में तुम्हें पागल कर दिया। तुमने जब जब इसके करीब आने की कोशिश की तब मुझे कैसा लगा पता है? तुम्हें जान से मार दो इतना गुस्सा आया था। मैंने सोचा यह गुस्सा इतनी जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिए, इसीलिए तेरे साथ रहते हुए भी सारी प्रॉब्लम्स को मैंने ही क्रिएट किया। अब तो सारी बात तुम्हारी समझ में आ गई ना? चित्रा, प्यार में धोखा देने वाला मैं नहीं था, जिसने प्यार में धोखा दिया वो तुम हो। तुम्हारे दूर जाने के अलावा मैंने कभी तुमसे बदला लेना नहीं चाहा। देखो नंदू को छोड़ दो। मारना चाहती हो तो मुझे मारो। चांस ही नहीं है। ए, प्यार 10 लोगों के साथ नहीं होता, जिंदगी भर एक के साथ किया जाता है। जिंदगी भर साथ में जीना होता है और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए मरना भी होता है। पर ये सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसमें बेचारी बिंदु की क्या गलती थी? वो लड़की बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास कराना चाहती थी और तुमने उस बेचारी लड़की को जान से मार दिया। तुम जैसी हैवान से कोई प्यार कर ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आज के बाद तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं करूंगी। जिसे तू अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है ना, उसे तुम खुद अपने हाथों से मारोगे। जिसे तुम जान से ज्यादा चाहते हो ना, उसे अपने हाथों से मारने के बाद सुसाइड कर लोगे।
अगर मैंने ठान लिया तो जिसे तुम अपनी जान से ज्यादा चाहते हो उसे तुम खुद अपने हाथों से मारोगे। मैं मरवाऊंगी। तुम्हारा गुस्सा नफरत बदला सब मुझसे है ना, तो मुझे मार के सब खत्म कर दो। पर नंदू को कुछ मत करना, क्योंकि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें नंदू की कोई गलती नहीं है। मतलब जिस लड़की से प्यार करता है उसके लिए अपनी जान दे देगा? जान से ज्यादा प्यार की चिंता, इतना महान है क्या तेरा प्यार? Yeah.
नंदू आई लव यू। सुधीर, अरे सुधीर, सुधीर, सोच आज की जनरेशन के बच्चों जैसी थी। प्यार मतलब जिंदगी भर साथ रहना सोचती थी। ऐसा सोचकर मेरी जिंदगी मैंने खुद ही बर्बाद की। तुमने जैसा कहा, प्यार मतलब 10 लोगों के साथ घूमना नहीं बल्कि किसी एक के होकर रहना। तुमने जिस लड़की से प्यार किया उसके लिए अपनी जान तक की परवाह न की। अब तक हर तरह से मैंने तुम्हें तकलीफ ही दी है। अब मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हें छोड़कर जा रही हूं सुधीर। तुम और नंदू हमेशा खुशी खुशी रहो ऐसा ही सोचती हूं। अब चलती हूं मैं। सुधीर ha ha ha।